नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस पे। जैसा मैंने अभी आप लोगों को हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि कट ऑफ ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए थी, वहां पे जो फोर्थ लिस्ट आई थी वो टाइप ब्रेकअप रूल के अकॉर्डिंग था, उसी के अकॉर्डिंग हमने मिनिस्ट्रियल का कट ऑफ और आपका अकाउंटेंट का कट ऑफ बताया था। कॉन्फिडेंशियल के बारे में नहीं जानकारी मिल पाई थी, तो लेकिन अभी प्रेस विज्ञप्ति जो है वो हमें मिली है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंशियल, मिनिस्ट्रियल और अकाउंटेंट सबकी कट ऑफ फाइनली बता दे रहे हैं। और जो प्रॉब्लम हो रही है अभी तक, जितना उस सेशन के बाद जो हमने वीडियो किया, उस सेशन के बाद जो बच्चों के कमेंट आए हैं, ठीक है, कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसी दिक्कतें हुई हैं, तो उन दिक्कतों को भी बता दे रहे हैं। इससे सिमिलर जिसके पास भी जो दिक्कत है, वो जो समस्या है, ऐसी समस्या अगर आपके साथ है तो एक बार जरूर बताइए, क्योंकि ऐसी समस्या है तो रिजल्ट अपग्रेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका प्रिफरेंस बेसिस पे अगर जो दिक्कत आई है तो उसको आपका क्या होना चाहिए, सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो पहले हम लोग अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फिडेंशियल का विजिलेंस में जो कट ऑफ दिया गया है वो यूआर का, जनरल का जो है आपका वो कितना है, 101, यहां पे देखो 121 और प्लस 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब 121 आपके कॉन्फिडेंशियल में सेलेक्ट हुए हैं और 15 आपके विजिलेंस में सेलेक्ट हुए हैं, किसके, यूआर के, जिसकी कट ऑफ 293.1836 गई है, ठीक है। और यहां पर फीमेल की बात किया जाए तो 30+3, मतलब 30 आपके यूआर के, बाकी इसका मतलब किसी में ओबीसी एससी और एसटी के गर्ल्स सेलेक्ट ही नहीं हुए हैं, इनके कहने का मतलब ये है। लेकिन मेरे पास अभी भी फोन आ रहा है कि सर मेरे मार्क्स इतने थे तो हमें क्यों नहीं सिलेक्शन दिया गया, ठीक है। एससी और एसटी के गर्ल्स कैंडिडेट की बात किया जा रहा है तो यहां गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो 265.2653 है, बाकी किसी की कट ऑफ नहीं दी गई, या हो सकता है कि कैंडिडेट ना मिले हो इसलिए से इसका कट ऑफ नहीं दिया गया, या क्या है तो ये जरूर, मगर कैंडिडेट ने फोन करके मुझे पर्सनली बोला कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। और स्टेनो भी अच्छा हुआ था, तो अब डिपेंड करता, हो सकता है स्टेनो की वजह से दिक्कत हो गई हो तो इस वजह से यहां पे कट ऑफ नहीं दिया गया है, ये भी हो सकता है। तो यहां ईडब्ल्यूएस का 288 है, ठीक है, और उनमें गर्ल्स में भी आपका यहां पे ओबीसी की अगर बात की जाए तो 289 है, एससी की बात किया जाए तो 221 है, और एसटी के कैंडिडेट ही नहीं देखो मिले हैं, हमें लग रहा है इसमें भी कोई वही नहीं हुआ है, एसटी का सीट भी नहीं था, अगर इसमें विजिलेंस में तो सीट नहीं था, कॉन्फिडेंशियल में था, लेकिन कोई हुआ नहीं है, तो टोटल 155 यहां पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा 155 सिलेक्टेड कैंडिडेट आपके हुए हैं। अब यहां पर अगर हम मिनिस्ट्रियल की बात करें और मिनिस्ट्रियल में विजिलेंस की बात करें तो यहां पे दोनों की कट ऑफ जो है रखी गई है वो कितना, जितना मैंने आपको बताया था 9 लोग इसमें विजिलेंस में आपके सेलेक्ट हुए, 325 जो है कट ऑफ गई है वो जनरल की गई है, ईडब्ल्यूएस की 315 जैसा बताया गया था, ओबीसी की 318, एससी की 297 और एसटी की 264 गई है। और यहां पे अगर देखा जाए फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल की कट ऑफ 310 के आसपास गई है, 301 ये है, 272 ये के है, और 239.50 जितना बताया गया था ऑलमोस्ट यही आपका मिनिस्ट्रियल का कट ऑफ है। और अकाउंटेंट की कट ऑफ की बात किया जाए तो जितना आपको मैंने बताया था वही कट ऑफ आपकी है, 302 यहां पे है, और गर्ल्स की 287 है, और ओबीसी में आपके 287 है तो वहां पे जो गर्ल्स की है वो 276 है। ईडब्ल्यूएस में कोई गर्ल्स की कट ऑफ नहीं बनी है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, क्योंकि जनरल की और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है चाहे उसमें गर्ल्स सेम रहेगी, तो 281 कट ऑफ जो है ये आपकी किसकी है, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की है, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की आपकी 281 कट ऑफ गई है। उसके बाद से एससी की देखो 258 गई है, और यहां पे 219 फीमेल की गई है, एसटी की जो कट ऑफ है वो मेल की 214 गई है, लेकिन फीमेल की कट ऑफ नहीं है, इसका मतलब फीमेल नहीं मिले एसटी को, एसटी में फीमेल नहीं मिले इसलिए इसकी कट ऑफ नहीं गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपका हो गया अकाउंटेंट वाला, अकाउंटेंट मिनिस्ट्रियल सबकी कट ऑफ मैंने बता दिया, अब समस्या मैं बता रहा हूं आपको, समस्या क्या है, समस्या ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हमें कंप्लेन बोल रहे हैं, ठीक है, यहां देखो लगभग 70% चयनित अभ्यर्थी 26 वर्ष से कम आयु के हैं, यह भी ध्यान रखना। और एक चीज और, जो समस्या हो रही है बच्चों के साथ वो सबसे बड़ी ये समस्या है कि एक बच्चे ने बोला कि सर मैक्सिमम बच्चे जो मेरे दोस्त हैं ऐसे ही देखने को मिल रहा है, जो आप समस्या बताओगे वही हमारे तक पहुंचेगी, फिर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले प्रिफरेंस में आपने कॉन्फिडेंशियल डाला है, दूसरे में आपने मिनिस्ट्रियल डाला है, ठीक है, आपने दूसरे में मिनिस्ट्रियल डाला है, अगर आपके जो मार्क्स हैं, सपोज करो आपके मार्क्स जो है 300
25 26 से ऊपर है, मान लो 340 मार्क्स हैं, तो 340 मार्क्स हैं, आप स्टेनो में फेल हो तो आपको मिनिस्टीरियल मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है आप कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स पाए हो। तो कुछ का कहना है कि सर नहीं मिला है, ऐसे कैसे हो सकता है, मिलना चाहिए। जो कह रहे हैं कि जो सर फर्स्ट प्रिफरेंस भरे हैं ना उसी पे हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एसआई में, और सपोज करो अगर एसआई में सेलेक्टेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो उसको एसआई पहला प्रेफरेंस मिलेगा। और दूसरी समस्या क्या बता रहे हैं बच्चे, कि जैसे अगर कह रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स जैसे 304 नंबर है, 305 नंबर है, ठीक है, और मैंने सबसे पहले डाला था क्या मिनिस्टीरियल, मैंने मिनिस्टीरियल डाला, दूसरे पे मैंने एसआई कॉन्फिडेंशियल डाला, अब उसने स्टेनो भी देकर आया, अच्छा स्टेनो भी हुआ, ठीक ठाक स्टेनो हुआ, और 304 नंबर है, अगर हम बात करें तो कट ऑफ गई है स्टेनो की 293 नंबर, ठीक है, अगर 293 नंबर कट ऑफ गई और उसके 304 नंबर हैं, तो 304 नंबर है तो जाहिर सी बात है उसको मिनिस्टीरियल तो नहीं मिलेगा, पहला प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिस्टीरियल की कट ऑफ गई है 325, तो ये तो नहीं मिलेगा, तो दूसरा प्रेफरेंस तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है 304 नंबर पे भी, ऐसे 290 296 298 नंबर है, 300 नंबर है, ऐसे दिक्कत आई है। अगर ये दिक्कत और लोगों के साथ है, आपका स्टेनो अच्छा गया है उसके बाद भी आपको सेकंड प्रेफरेंस नहीं मिला है और कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स पाए हो, तो भाई सीट क्यों वैकेंट चली गई, तो सीट क्यों वैकेंट चली गई इसी पर जाके हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप अपनी समस्या हमारे तक पहुंचाइए, तभी जब देखेंगे कि कितने बच्चे हैं तो हम एक डेट डिसाइड कल आपको शाम को बता देंगे कि इस डेट में आप लोग पहुंचो तो हम लोग वहां पर आपके साथ मौजूद रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीजों को ध्यान में रखिए, जो भी समस्याएं हैं आपसे खुलकर बताइए, तभी हम आपके सपोर्ट में आ सकते हैं। और अभी बात रही कि आप जैसे बोल रहे कुछ लोग कि सर रिजल्ट कैसे, मार्क्स कैसे चेक करें, तो मार्क्स चेक करने के लिए जो आपका डैशबोर्ड लिंक है वो आपकी ओपन हो चुकी है, आप अपने मार्क्स देख सकते हो कि आपके मार्क्स कितने हैं, रॉ मार्क्स कितने हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए लिंक है, वो लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, वहां से आप ओपन करके आप अपने मार्क्स को चेक कर सकते हो, मार्क्स भी आ चुका है, कट ऑफ की भी पूरी पीडीएफ आ चुकी है, आप पीडीएफ से मिला सकते हो। हाँ, अब जो समस्या मैंने बताया प्रेफरेंस वाली, वो अगर किसी के साथ हुई है तो जरूर हमसे कांटेक्ट करिए, आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से, और जो ये नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पे आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो भी बताइए, जो नहीं सेलेक्ट हुए वो भी बताइए व्हाट्सएप करके इस नंबर पे, इन दोनों नंबर पे आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी समस्या बताइए ताकि हम आपके साथ खड़े रहें और बोर्ड जाया जाए और क्लेरिफिकेशन मांगा जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, कि इतने मार्क्स पाने वाले बच्चे आखिर उनका स्टेनो भी अच्छा हुआ तो वो सेलेक्ट क्यों नहीं हुए हैं, क्या प्रिफरेंस के वजह से हुए हैं या कोई और रीजन है। तो चलिए, जो भी समस्या है अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।